जो जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष ने सबसे मजबूत हथियार और विकल्प के रूप में संविधान को अपनाया और उसका इस्तेमाल भी किया। ये जग जाहिर है कि पूरा चुनाव संविधान को बदलने के आरोपों के बीच लड़ा गया। दरअसल इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया था कि एनडीए 400 सीटों का दावा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहता है। हालांकि चुनाव के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा भी की कि बीजेपी बहुमत हासिल कर संविधान में बदलाव करना चाहेगी, जिसके जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर नजर आए। वो अक्सर अपनी जनसभाओं में संविधान की लाल किताब के साथ ही पहुंचते थे। खैर, चुनाव हो चुका है, जीत हार भी हो चुकी और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। 18वीं लोकसभा के लिए शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका, लेकिन संविधान या कहें कि कोर्ट पॉकेट एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन का साथ कांग्रेस या समूचे इंडिया गठबंधन के हाथ से नहीं छूट रहा है। लोकसभा सत्र के पहले दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भी तमाम विपक्षी सांसदों के हाथ में पॉकेट साइज के संविधान की किताब थी। यही नहीं, राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये तल्ख मिजाजी बताती है कि आगामी संसद सत्र के दौरान वो संविधान की प्रति के साथ ही बीजेपी पर हमलावर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के? क्योंकि देखिए, जो जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए, यानी राहुल गांधी पॉकेट साइज के संविधान को आधार बनाकर विपक्ष का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं राहुल गांधी के इस संविधान प्रेम के बाद लोग भी ये जानने के उत्सुक है कि आखिर ये कौन सा संविधान है जो इतने छोटे से आकार का है। इस बारे में ईस्टर्न बुक कंपनी लखनऊ के सेल्स हेड सुधीर कुमार ने मीडिया को ये अहम जानकारी दी है। देखिए, ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है ये स्पेशली डिजाइंड है और ये कहलाता है कोर्ट पॉकेट एडिशन। ये स्पेशल बाइबल पेपर पे छपा है, फ्लेक्सी बाउंड है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसका जो साइज है वो एक एडवोकेट की जो गाउन या कोट होता है उसकी पॉकेट में फिट आ जाता है, इसलिए इसको दिया है कोर्ट पॉकेट एडिशन। ये 2009 में पहली बार पब्लिश हुआ था, इस समय ये 16th एडिशन में चल रहा है। अपने कोर्ट पॉकेट एडिशन की ये खासियत है कि इसमें जो पेपर है वो बाइबल पेपर बहुत थिन होता है, वो इस्तेमाल हुआ है, और फॉन्ट साइज की जो है ये हमारा कि R&D टीम ने उस हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया है। फर्स्ट टाइम इंडिया में हम लोगों ने ये किताब रिलीज की थी, कोर्ट पॉकेट एडिशन। आपको बता दें कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान को मुकम्मल करवाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह थी कि डॉक्टर अंबेडकर को
प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। खासी मशक्कत के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश भर में लागू कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़।